6 AM हो रहा है अभी और हम लोग बैठा है, ये गांव है इधर, ये सांगर बोलता है इसको। ये देखिए इसका अंदर, यहाँ में सोया है हम लोग, ये भी है और थोड़ा सा लेट हुआ है, लेट उठा है हम। ये देखो बादल, ये को देखो फोक बारिक, और यह भी है सांगर। ओह माय गॉड, सुबह का वो फोक को नहीं देखने। ओ ऑरेंज देखिए, ऑरेंज आपको हम करीब से सामने से लेके दिखाएगा ऑरेंज। अभी ऑरेंज फेस्टिवल यहाँ में हो रहा है बाना में, आपको ऑरेंज दिखाएगा। ऑरेंज ट्री देखो, देख रहा है ना ये ऑरेंज, ये देखिए। बाना में तो एक मोटरसाइकिल से बहुत थक गया था, हमको भी थोड़ा सा नेचर का नेचर चाहिए था, ब्रेक चाहिए था। और आप लोग भी मेरा साथ में नेचर का एंजॉय कीजिए, कम ऑन। तो देखिए ये रहा नेचर, आइए आ जाए नदी, ये है रिवर है, ये इस कमी में पड़ता है, चप्पा का सामने में है, ये बाना प्लेस है पुचुंग रिवर। और यहाँ का पुचुंग रिवर का नाम से एक फेस्टिवल भी हो रहा है यहाँ में टूरिज्म का, तो उधर में भी आप लोग को हम दिखाएगा। एंड आप लोग चलिए, ये नेचर कितना नदी नाला पत्थर ग्रीन ग्रास कितना अच्छा लगता है, कितना सिटी लाइफ से एकदम आता है। तो आप लोग भी सिटी वाला सिटी में जितना रहते हैं जो सब लोग आओ मेरे पास, मेरा साथ मेरे वीडियो का साथ भी आप लोग के अंदर पूछे ये रहा कुछ रिवर, ये देखो और कितना पानी ठंडा है। आइए आइए आइए, वाह पानी इतना ठंडा है, ये पूरा पहाड़ हमारे ग्लेशियर से आता है ये रिवर, तो इसका पानी हाथ लगाने भी दे सकता है। अभी 9 बज गया मेरे यहाँ, अभी हम वहाँ पे निकाला है मॉर्निंग को, तारी जो गांधी पे बोलता है उसको पकड़ने जाएगा, तो यहाँ में बहुत थोड़ा ज़्यादा है तो हमको वहाँ से जाना पड़ेगा। वहाँ पर हैंगिंग ब्रिज एक्टिविटी है, हैंगिंग ब्रिज हम ट्राई करके देखेगा यहाँ में फ्रेंड लोग का साथ में, यहाँ से भी क्रॉस करते हैं बट वहाँ से जाने से पूरा घूमती है। उधर देखिए ऐसे वहाँ पे धूप निकला है इसलिए उधर में तारी बहुत आएगा, तारी गांधीपुर आएगा, तो हम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं ना, क्योंकि हम वहाँ से जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं वहाँ से, उधर में ग्लो कंपनी है तो ग्लो कंपनी का जगह से जाना पड़ेगा, नहीं तो पानी से ले जाके पूरा आसाम पहुँचा देगा हमको। गांधीपुर
बोलता है ये आसामीस में, और लोकल डैम सारी है। आप देख सकता है कैसे पकड़ा जाता है। तो हम इतना सुबह सुबह इतना पकड़ लिया, तो ऐसे पत्थर से निकाला है। ओ माय गॉड, यहाँ में नहीं है। ओ यहाँ में ये देखो, ये पास कभी कभी एक पत्थर में पास से तो होता है, कभी कभी एक होता है। ये देखे, इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के यहाँ में कलेक्ट करता है। तो ये खाने में, ये अरुणाचल का आदमी लोग इसको बहुत अच्छा से खाता है। ये देखो, ये इधर देखो 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 कैमरा ये करो, अच्छा से देखो, क्लोज अप करो तारी को। ये देखो, ये तारी पत्थर के नीचे में ऐसे बैठता है, इसको यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ में। एंड ये देखिए, आपको हम दिखाता है, ये गांधी पुक बोलता है। एंड तारी लोकल भाषा में तारी बोलता है ना, इसको अभी चटनी पीस के चटनी पीस के खाएगा, मिर्चा अदरक लहसुन का साथ में। और ये एक कभी कभी कुछ कुछ तारी में पॉइजन भी होता है, पॉइजन मतलब वो एडिक्ट नशा करा देता है। तो ये सब को अनलकीली उसको कभी कभी मिलता है सब लिए। ये देखो, और आप लोग को गाइस हम दिखाएगा तारी को चटनी कैसे बनाता है घर में जाके। तो देखिए, ये उधर भी देखा, उधर मिला है तारी, मिला है ना। तो मिल गया, बोला मिल गया। बहुत इसको मजा है। और ये लोकल पीपल लोग इसको बहुत, अभी सीजन है, सीजन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। और ये अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर से शुरू होता है, अभी जनवरी तक निकालेगा। ये कीड़ा है, पूक है, और एक इंसेक्ट है, इसको तारी बोलता है। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसका एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एक खुशबू होता है। उसके लिए आदमी, यहाँ का आदमी लोग दीवाना होता है। बहुत मिलेगा, देखिए नदी का किनारे मिलता है, ये विंटर में सीजन में ये बहुत के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग बहुत ज़्यादा मिलता है। ये रहा, सुबह से कलेक्ट किया इतना। तारीफ पकड़ के लोग, सो मेरी तारीफ, आई कलेक्ट सो मेरी तारीफ, देखो लोग। तो तारीफ पकड़ के थक गया, सुबह से ये पकड़ रहे हैं, जो थोड़ा पी लेगा, रेस्ट कर लेगा। थैंक यू। ये है तारी, इसको अभी धुला के, यहाँ थोड़ा थोड़ा बालू है ना, इसको ऐसे ऐसे पीस के खाएगा। एडिबल इंसेक्ट, ये तारी है, तारी इसको गांधी पुक बोलता है। इन आसामीस लैंग्वेज इसको गांधी पुक, एंड इंग्लिश आई डोंट नो, गूगल जानना ढूंढना पड़ेगा। ये पत्थर के नीचे में मिलता है, यार देखो पीता है जिंदगी। और यहाँ पे गैस का चूल्हा भी है, चाय बना रहा है। और ऊपर देखिए, लकड़ी सुखा के रखा है, यहाँ से सूखते जाएगा। और उतना ही है, और थोड़ी बात के बाद में खाना पकाएगा। अभी चाय बजा है, तो चाय वे पी के पहुँच गया। ये है सांगर, यहाँ में बैठा है। गांव में ऐसे होता है, बेम्बू से बनाया जाता है, चिकन पका रहा है, लोकल चिकन। और ये रहा पहाड़ी लोग, एक पुक इंसेक्ट एक तो खाता है, इंसेक्ट जो बहुत फेमस है इन अरुणाचल। दो तो देखाओ जगदर में, ये देखो, ये तारी, ये तारी, ये इंसेक्ट है, ये पत्थर के नीचे में, नदी के किनारे पत्थर के नीचे में बैठता है। ये
सबसे गुण अच्छा खुशबू एक तो होता है, ये देखिए इसको अभी तारी बोलता है, इसको तारी एंड गांधी पुक असमिस में इसको गांधी पुक बोलता है, ये देखिए गांधी पुक। इसको अभी चटनी बनाएगा, ये अदरक का साथ एंड लहसुन का साथ, तो इतना ही। तो इसको यहाँ में डाल के यहाँ में कूटेगा ना, ऐसे ढुलाएगा, क्योंकि ये पत्थर का नीचे बैठता है, तो यह में ये होता है बालू, छोटा छोटा बालू हो सकता है, ये उड़ गया, बालू हो सकता है, इसलिए इसको पानी ऐसे भिगो के यहाँ में कूटेगा, घर में कटक कटक करता है, कच्चा कूटेगा ना, कच्चा भी इसको खाता है, उसका बाद रो में भी खाता है, और इसको फ्राई करके कुछ भी बॉईल करके भी खाता है।